तो गाइस अब हम बैंक्वेट के अंदर चलते हैं और ये देखिए ये दरवाज़ा खुला है। देखिए सबसे पहले तो शानदार किस्म का इनका एंट्रेंस बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा इसे डेकोरेट किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं इतना शानदार किस्म का इसका गेट है। अगर आप गेट पे भी चाहें तो आपका फ़ोटोशूट बहुत ही क्लास का होता है। अब सेकेंडरी इसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये जेंट्स के लिए देखें बनाया गया है। और आपको यहाँ की सफाई और यहाँ का VIP एनवायरनमेंट देख के ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितना क्लास का बैंक्वेट है, ठीक है। अच्छा मैं आपको जल्द जल्द में तो ये देखें थोड़ा सा एंट्रेंस बताना भूल गया। यहाँ पर भी फ़ोटोशूट होता है ना एंट्रेंस के ऊपर, ये ठीक है। ये एंट्रेंस से हम यहाँ पर आए, ये बेसिकली जेंट्स के लिए इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल कोई भी नहीं है इस लोकेशन पर, मगर ये जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि पार्टीशन किया हुआ है इस पर्दे से, पर्दे के पीछे जो है वो लेडीज़ का है टोटल अरेंजमेंट, और ये जो है टोटली जेंट्स का है। तो आप ज़रा चेक करें, यहाँ भी खामोशी चेक करें, पीसफुल माहौल चेक करें, आई थिंक ऐसा ही होगा। भाई नाज़रीन ये चू मंदिर है, देखें ऐसे छड़कते हैं और इसके बाद जो टेस्ट निकलता है ना वो आपकी सोच है। ये फ्राइज है, ये बलोची टिक्का है, ये कौन सा फूड मालूम का, ये साबरी फूड का सीक्रेट मसाला है जो आप देख रहे हैं ना, देखें बहुत, ये देखें नाज़रीन मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत औसम, ये देखें। मैं साबरी इवेंट्स वालों का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने इस पूरे इवेंट को कवर करने में मुझे फुल सपोर्ट किया, मुझे स्पॉन्सरशिप दी। और मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अपने तमाम तर इवेंट्स में साबरी इवेंट्स को एक बार ज़रूर आजमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट जफ़र इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ मेडेलियन बैंक्वेट और ये बहुत ही शानदार एक आलीशान बैंक्वेट है और यहाँ पर जो इवेंट है वो साबरी इवेंट वाले इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैटरिंग का काम पूरा इनके पास है। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं आज यहाँ क्या क्या होने वाला है, आपको मैं पूरा रिव्यू करवाऊँगा। Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो गाइस मैं इस वक्त ये बैंक्वेट के अंदर हूँ और देखिए बहुत ही शानदार किस्म का बैंक्वेट बना हुआ है। अच्छा मैं जिस एरिया में हूँ ये बेसिकली लेडीज़ पोर्शन है और ये देखिए इतना बड़ा इसका स्पेस है और सामने आप देखें तो पर्दों से जो जेंट्स का है उसे कवर्ड किया गया है, ठीक है। ये खूबसूरत सा यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है, बाकी आप जब इसकी हाइलाइट्स देखेंगे तो आपको इसमें और आइडिया हो जाएगा कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा ये स्टेयर्स भी दी हुई हैं यहाँ इसकी, अगर आप ये स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं तो ये भी है, मगर आई थिंक ये बंद है इस वक्त ना। ये इनका VIP सेट है, देखिए VIP का इनका इंतज़ाम लगा हुआ है, ये भी बहुत शानदार किस्म का है। और इसके बाद अगर ये स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं तो ये देखें ये शानदार किस्म का, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this
गाइस ये देखें बखूर लेकर जा रहे हैं, ये इतना प्यारा बखूर किया है इन्होंने यहाँ पर, और ये फ्रेग्रेंस जो है बढ़ाएगा यहाँ। और तो गाइस आप मेरे कुछ व्लॉग में देखते होंगे कि मैं बैंक्वेट ज़्यादा दिखाता हूँ, कुछ व्लॉग में बहुत कम दिखाता हूँ। तो नाज़रीन ऐसा होता है कि कुछ बैंक्वेट में ना वाकई में बहुत ज़्यादा दिखाने को कुछ होता है, और कुछ बैंक्वेट जो होते हैं ना वो इतने खूबसूरत छोटे से होते हैं कि उनमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, तो इसीलिए मैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाता। आप भाई तो नाज़रीन देखें, वो आपने बैंक्वेट देखा, अब ये वो जगह जा रहा हूँ मैं जहाँ सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारा चाय का सेटअप भी होगा, अब यहाँ से ये अंदर सर्व होगा सारा ना। तो देखें अपना सैलेड भी यही बनेगी, और ये सारी तैयारी हो रही है ना, सब चीज़ों की रेडी कर रहे हैं सारा। नाज़रीन ये इतने सारे ग्लासेस रखे हुए, आप देख के सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ बन रही है भाई, ये डायनामाइट चिकन बन रहा है। और ये किस तरह बनेगा, अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना ग्लास सजाए गए हैं, बाकी इसके अंदर देखते हैं क्या क्या डालते हैं ये लोग। और ये स्टार्टर के तौर पे पेश किया जाएगा यहाँ। गाइस ये आज बलोची टिक्का बनेगा यहाँ, जिसकी मिर्ची अभी जो है ना फ्राई हो रही है। नाज़रीन अब इस गिलासेस के अंदर जो है ना गोभी डाली जा रही है ना। तो नाज़रीन ये टर्किश कबाब है जो कि अभी सिखों में, और ये बहुत जल्द इसकी सिकाई शुरू होगी। नाज़रीन ये फूड चेक हो रहा है, ठीक है ना, ये चेक भी किया जाता है खा कर ना कि ये कैसा बना है क्या है, फिर आगे सर्व किया जाता है। ये नाज़रीन ये चिकन के पीस है, अब ये फ्राई होंगे और फिर ये इसके बाद जो है ना इस ग्लास के अंदर सजाए जाएंगे सॉस के साथ।
नाज़रीन ये है असल जादू। देखें बता नहीं सकता नाज़रीन, ये वो आइटम बन रही है कि जो आप जब खाएंगे ना इसे तो खाते ही जाएंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा यकीन माने। बहुत ही क्लास का, देखें ये सब माला माल हो गई। अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि ये पहले इसे अच्छे से इसकी फेटी लगाएंगे। सही बाकायदा माशाल्लाह ग्लव्स पहन के ये लगा रहे हैं, ठीक है। सफाई का जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, मगर मैं नाज़रीन आपको एक बात, आपको भी पता है कि भाई जो टेस्ट छुपा होता है ना वो थोड़ी सी गंदगी में भी होता है, मगर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम खाते हैं अच्छा लगता है। तो सफाई का तो खास ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। अब ये सारी सॉसेस देखें इस तरह बन गई। अब ये एक छोटे से जो ग्लास है इसके अंदर मेरे ख्याल से इसमें इन पीसेस को एंटर किया जाएगा। डालिए भाई डालिए। अच्छा ये देखें, ये इस तरह से दो पीस एक ग्लास में, ठीक है। और अगर देखें बहुत ही गर्मा गर्म है, इसमें धुआं निकल रहा है नहीं। तो नाज़रीन बाकी लवाजमात भी यहाँ पर रख दिए गए हैं, जैसे कुन्ना है और जो सालन वगैरह की जो आइटम है वो यहाँ से सर्व किए जाएंगे। अभी फिलहाल ये लोग चटनी बना रहे हैं और उस चटनी को फील कर रहे हैं सब जगहों पर, सब बॉल्स में। तो नाज़रीन देखें, ये जैसे कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे अहमर भाई, और ये सबको हिदायत दे रहे हैं कि किसने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, और इसी तरह चलता रहता है। भाई मेरे लिए चाय आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकेंड, तो ये इतने छुटने से कब में मेरे लिए चाय, मगर इस मौसम में बड़ा अच्छा फील कराएगी। तो चले मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने। तो नाज़रीन ये इनका टी बार है और कावा भी यहीं से सर्व की जाएगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया, कॉफ़ी भी रखी है यहाँ आज इस प्रोग्राम में। फाइनल जो है इसके अंदर देखें इस तरह से स्टिक लगाई जाती है और स्टिक लगा के सर्व किया जाता है। ये सब बिल्कुल गर्मा गर्म है और ये डायरेक्ट ही बस कुछ ही देर में डायरेक्ट मेहमानों को सर्व किए जाएंगे। तो इसका मज़ा इस मौसम में, ये थोड़ा सा विंटर का मौसम है तो इसमें बहुत ही कमाल की लगती है ये चीज़। तो नाज़रीन इनके पास लेडीज़ स्टाफ भी है और माशाल्लाह ये इनकी अपनी पूरी टीम है। देखें पूरा इनको, जैसे ये इवेंट में आए हैं तो पूरे इनको ब्रीफिंग दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रस्ट का काम होता है ना, क्योंकि आप यहाँ पर जब इवेंट में आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पर्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, तो ये अपने ट्रेन किए हुए हैं। देखें बाकायदा प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, साबरी कैटरिंग का कार्ड इनके पास है और देखें सारा बताया जा रहा है ना कि इन्हें किस तरह सर्विंग करनी है। ये माशाल्लाह जो बता रही हैं सेंटर में, ये इनकी लीडर हैं, ये इन्हें लीड करती हैं और ये टीम भी इन्हीं के पास है। अब ये ट्रे में सजने जा रही है, ठीक है। ये बस थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह जो है मेहमानों के पास होगी और मेहमान इससे बाकायदा लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस है। तो नाज़रीन इसका नाम था चिकन डायनामाइट। नाज़रीन ये भाई मिंट रोल बन रहे हैं और ये भी बहुत ही कमाल के, ये देखें ये ज़रा इसकी जो है ना फाइनल शक्ल ये है और ये भी बहुत ही डिलीशियस है।
नाज़रीन, ये इंजीर का हलवा बन रहा है और इसे जो है उस्ताद वो बना रहे हैं। देखें इसमें बहुत सारे आपको काजू बादाम पिस्ते तो नज़र आ ही रहे होंगे और ये भी तैयार हो रहा है ना भाई। उस्ताद कब लगेगी इसकी फेटी वेटी, कब लगेगी ज़रा चलाएँ? लगेगी हाँ, चम्मच चम्मच ज़रा दिखाएँ नाज़रीन को भाई। ये फेंटना शुरू किया नाज़रीन, देखिए उस्ताद ने भाई। नाज़रीन ये जो है पाया कुन्ना है और ये हमारे प्यारे भाई इसको बना रहे हैं। ये नान बन रहे नाज़रीन गर्मा गर्म, जैसे कि मक्खन का तड़का लगा के ये पूरा देखें। पेड़े तो पहले आपको बनते हुए दिखा दिए, अब ये जो चीज़ है ना ये इस तरह से मेरे ख्याल से लग के ये तंदूर में जा रहे हैं लाइव, और ये इस तरह से कट भी है। देखें ऐसे ट्रिक से कटिंग होती है ये।
अभी सर्विस स्टार्ट है और देखें जब सर्विस स्टार्ट होती है तो फिर ऐसे तेजी से हाथ चलता है ये चीज और तेज और तेज। साकिब भाई आज का मेन्यू क्या है? आज का मेन्यू स्टार्टर के अंदर हमने रखा है वन बाइट चिकन मिंट रोल, ठीक है, और डायनामाइट चिकन। अच्छा मेन कोर्स में क्या रखा है? मेन कोर्स में हमारे पास है बीफ रसीली बिरयानी, ओहो, मटन कुन्ना पाया, बेहतरीन, बलोची टिक्का, ओहो, विद फ्राइज, बेहतरीन, तुर्किश कबाब चिकन, ठीक है। और डेजर्ट में क्या खिला रहे हैं? डेजर्ट में हम खिला रहे हैं इंजीर का हलवा, ठीक, जो हमारी अपनी स्पेशलिटी है। बिल्कुल सही। और आइसक्रीम पार्लर लगाते हम। अच्छा आइसक्रीम पार्लर होता है ये डेजर्ट में? डेजर्ट के अंदर। और बेवरेजेस में क्या सर्व कर रहे हैं? कॉफी होती है, ठीक है, ग्रीन टी है, ठीक है, चाय है, ठीक है, और आखिरी में हम पान भी पेश करते हैं, ठीक है। और जो रशियन सैलेड वगैरह होता है? रशियन सलाद, लाइव तंदूर, गार्लिक नान होता है हमारे पास, ठीक है, ये भी हमने रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, बेस छीटे के कुलचे भी रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, मानी रोटी भी रखी हुई थी, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ भाई मुन्ना, कैसी है कॉफी? अच्छी है या नहीं बोलो। नाज़रीन, अब हमारे साथ साकिब भाई मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह इस पूरे चैनल को लीड करते हैं। साकिब भाई नहीं, इनके भाई भी इनके साथ होते हैं, मगर बहुत सी ऐसी टेक्निकल बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, वो हम साकिब भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साकिब भाई सब लोग जा चुके हैं, अब यहाँ बैठे हैं। अब मुझे ये बताएं कि भाई आज का जो अरेंजमेंट था ये कितने लोगों का था? ये 600 अफराद का अरेंजमेंट था, ठीक है, मगर खिलाए कितने आपने?
अल्हम्दुलिल्लाह हमने 800 बंदों को आज खाना खिलाया। देखे नाजिन, ये है, ये असल है जो साबरी इवेंट्स का है ना, ये एजाज है कि माशाल्लाह 600 होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 800 खा के जाएंगे। अच्छा साकिब भाई ये बताएं, जैसे देखिए जिनके घर में इवेंट होता है, अब वो अपने मेहमानों को वेलकम करने में होते हैं, अब पीछे बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी बातें जो अब तक लोगों को नहीं पता। जैसे एक मिसाल है, अगर आप किसी से बाहर काम करवा रहे हैं और आपने उसको ऑर्डर दिया 60 किलो हलवे का, ना अब हर चीज़ तो बंदा नहीं कर सकता, आप भी कुछ आइटम बनाएंगे कुछ बाहर से, सही। अब वो 60 किलो वाला कहीं अगर बीच में मार जाता है डंडी तो वो किस तरह पकड़ेंगे, फिर इसके अंदर क्या चीज़ आती है इंसान की? भाई उसके अंदर ये होता है कि जिसको हम अगर आउट ऑफ सोर्स काम देते हैं ना, हाँ, हम उसके ईमान के ऊपर छोड़ते हैं। अच्छा, उसके ईमान के ऊपर छोड़ते हैं कि वो उसका क्या ईमान है। सही है, ठीक है, हमने तो ऑर्डर दे दिया, ठीक है, जैसे 60 KD का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, अब वो 40 ला रहा है या 50 ला रहा है, सही है, हम ऑन द स्पॉट जज तो कर सकते हैं ये चीज, हाँ ठीक है, जज तो कर सकते हैं, मगर उसको हम बोल नहीं सकते, उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि किसी को बोल के उसकी रोजी, वो तो अपनी रोजी खराब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि बहुत से कैटरिंग वाले हैं, नए नए बेचारे मार्केट में आए हुए, इनको पता भी नहीं है कि मार्केट में काम किस तरह होता है, काम किस तरह होता है, ठीक है, मगर क्या वो बस एक दूसरे से पूछ पूछ के काम तो कर लेते हैं, सही बात है, मगर उनको लबे लबा भी होता है कि ये काम आगे कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। और जो सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि देखें जिनका इवेंट है वो तो अपने मेहमानों में, उनको नहीं पता, असल सारा आपके ऊपर है जी, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है, ये सारी चीजें हमको मैनेज करनी है। माशाल्लाह कितने टाइम से आप लोग ये काम कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अच्छा, 12 साल से आप कर रहे हैं, और तकरीबन अभी तक आपने कराची का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बड़ा बैंक्वेट नहीं होगा, कराची का कोई ऐसा बैंक्वेट नहीं जिसमें हमने काम नहीं किया। तो मैं कहता हूँ लोगों, हमने 2500-2500 बंदों का भी काम किया है। भाई देखे आजकल तो कुछ नाम है जिनका नाम नहीं लूंगा, उनकी गर्दनों में सरिये हैं, तो मैं कहूंगा भाई देखे नाजरीन, अगर आपको डाउन टू अर्थ इस टीम के अंदर काम करने का बहुत बड़ा जज्बा है, तो मैं कहूंगा एक मरतबा जरूर साबरी इवेंट्स को दें, खिदमत का मौका दें, फिर इंशाल्लाह आप नहीं वो बोलेगा, आपका काम बोलेगा, हमारा तो काम देख के आप बोलेंगे कि वाकई काम करके दे रहे हैं, ठीक है, आप हम पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं पार्टी हमारे पर पूरा ट्रस्ट करती है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। माशाल्लाह साकिब भाई आपका जो इतना टाइम से रहना यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा साकिब भाई मैं एक बात और जानना चाहूंगा, देखिए बाज़ोकात ये इतना बड़ा अरेंजमेंट होता है ना, हम बहुत अच्छी तरीके से, आप माशाल्लाह देखा मैंने काफ़ी सफाई का इहतमाम भी रखते हैं, और बाज़ोकात हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो है रफ एरिया, क्योंकि वो जो पेंट्री वगैरह होती है वो होती ही ऐसी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, कोई ऐसी शिकायत आई, या कोई बंदा खुदा ना खास्ता कुछ हो गया उसको, या कुछ ऐसी बात कभी नहीं? ऐसा होता नहीं है, हाँ। इसकी वजह ये है कि हाइजेनिक फूड्स हम पेश करते हैं, बिल्कुल, ताकि लोग खुद भी खाए, हम खुद भी इस फूड को खाते हैं, पहले आप चेक करते हैं, पहले हम खाते हैं इस फूड को। नाज़िम ये इतने यानी कि मॉनिटरिंग हो रही होती है ना, ये आप जो चीजें देख रहे हैं इतना आसान, सफाई का निजाम पूरा पूरा हम रखते हैं, देख रहे हैं ये पूरा जो आप चीजें नजर आ रही है ना, ये बिहाइंड द इवेंट ये सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा साकिब भाई मैं एक बात कहूँ आपको, जी देखिये कुछ मैं समझता हूँ, जो मेरा मानना है असल टेस्ट जो छुपा है वो गंदगी में, अब हम घर में साफ सुथरी चीज खाते हैं मजा भी तो नहीं है ना, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है बिल्कुल, मगर ये है कि बल्कि बहुत ज्यादा ना हो, मगर ये है कि देखो इंसान बिल्कुल बंदा कहाँ तक इसको कंट्रोल कहीं भी नहीं कर सकता, सही बात है। और देखिए यही ऑनेस्टी है नाजिम, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ यही ऑनेस्टी, अब मैं आपसे बड़े बड़े दावे करूँ कि मैं ये करूंगा वो करूंगा फिर वो चीज ना हो तो वो गलत है, आपकी कहीं ना कहीं बस ये बंद कमरे में रख के हम नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते, ऐसा नहीं होता इतने बड़े अरेंजमेंट में, ये छोटी मोटी चीज होती है मगर एंड ऑफ द टेस्ट आउटस्टैंडिंग। अच्छा साकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो नाज़रीन ये रहे हमारे साकिब भाई, और मैं कहूँगा एक मरतबा जरूर खिदमत का मौका दीजिएगा, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, जब पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो लाजमी बनता है, मुझे बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और आप भी मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आपसे तो अब मुलाकात होती रहेगी, फिर मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।